ये आपको वो चीज़ें कर रहे हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेंगी। उनको एक ही जवाब देना चाहिए कि हम तो 3 महीने में सीख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? उनसे ये सवाल करना चाहिए। 3 घंटे भी कम नहीं होते हैं लाइफ में कुछ सीखने के लिए। ये तो 3 महीने पूरे लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो होते हैं वो आपसे सिर्फ कहीं ना कहीं ना आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग कुछ नहीं होते। अब तो इतने हज़ारों चैनल खुले हैं, किसी में भी कोई ना कोई काम तो छोटा मोटा मिल ही जाएगा अगर ईमानदारी से जाओगे तो, और थोड़ा बहुत सीख के जाओगे। सीखना तो यहाँ जरूरी है, वो जरूरी है, सीखे बिना तो नहीं पहुँच पाओगे। और सर जैसे हम लोग यहाँ फ्रेशर हैं, अभी पहली बार आए हमने, तो एक सवाल जो बाहर ज़्यादातर लोग ये करते हैं, कहते हैं कि यार 3 महीने में क्या होगा तुम्हारा, 3 महीने में कुछ नहीं हो सकता, कौन तुमको सिखा कर वहाँ कर देगा। और बहुत सारे लोग हैं जो देखोगे कभी कदार आए कि ये हमने एक बार दो बार देखा फिर वो गायब हो गया। तो ये सर सवाल जैसे बाहर लोग डिमोटिवेट करते हैं कि ये फिट ठीक नहीं है, ये वो, उनको एक ही जवाब देना चाहिए कि हम तो 3 महीने में सीख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? उनसे ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि आप तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हो ना। और 3 महीने क्या, 3 घंटे भी कम नहीं होते हैं लाइफ में कुछ सीखने के लिए। ये तो 3 महीने पूरे लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि 3 महीने में आप लोगों को वो चीज़ें सिखा रहे हैं जिससे आप लोगों को बेसिक नॉलेज हो जाएगा। ये आपको वो चीज़ें कर रहे हैं जो दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेंगी। दूसरी अकेडमी में आप चले जाइए, प्रैक्टिकल करने नहीं मिलेगा, वहाँ कैमरे के सामने आपको कोई खड़ा नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि 3 महीने बाद एक आपकी फिल्म वही आदमी बना के दे देगा, यहाँ तो ये आपको भी दे देंगे कि भाई कैमरा ले और चल के बना ले। तो ये जो फ़र्क है ना, वो सामने वाले आदमी को आप बताएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा या 3 महीने बाद आप जो सीख के निकलेंगे उसका जो रिज़ल्ट आएगा वही उस आदमी का आंसर होगा जो ऐसा सवाल करता है। ऐसा कहते हैं सर कि ये छोटे मोटे रोल तो हम भी तुम्हें दिलवा सकते हैं, बहुत लोगों ने ऐसे कहा है सर तुम इसके लिए नहीं बने, तुम अच्छा करो, लीड रोल करो। तो सर कहीं ना कहीं से जब शुरुआत करेंगे तब तो वहाँ पहुँचेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम 3 करोड़ ले आओ तो कल तुम्हें लीड रोल में मैं ले लेता हूँ, चलो लगा दो 3 करोड़। हाँ एक लीड रोल में ही लेना, ले लेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो होते हैं वो आपसे सिर्फ कहीं ना कहीं ना आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग कुछ नहीं होते। आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि आप छोटे छोटे कैरेक्टर करते हुए ही आगे बढ़ पाएंगे। सर हम बहुत सारे एक्टर होते हैं, उन्होंने वो काम करते हैं लेकिन कुछ साल बाद उनका आता पता नहीं चलता, तो क्या कमियां करते हैं सर? यार देखो वो क्या होता ना, हर आदमी में अलग अलग, वही मैंने कहा गुण और अवगुण होते हैं हर इंसान में। तो कई बार क्या होता है, एक्टर थोड़ा सा काम मिलते ही ना बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ जाता है, ऐसा लगने लगता है उसको कि मैं तो अब मतलब अमिताभ बच्चन भी मैं ही हूँ, ठीक है ना। तो उनका एटीट्यूड ही उनको गिरा देता है, इंडस्ट्री से बाहर कर देता है, ठीक है। जो थोड़ा बहुत हिट हो जाते हैं वो मद्रास चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ उनको विलेन या दूसरे लोगों का काम मिल जाता है। जो वो नहीं कर पाते वो अपने घर चले जाते हैं या यहीं पर नशा करने लगते हैं, नशा करते करते ख़त्म हो जाते हैं। ये जो सोसाइट और सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं वो इसलिए चल रही हैं कि नई पीढ़ी में एक बहुत बड़ी कमी है जो हम लोगों में नहीं थी। हम लोग उस मामले में बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रांग हैं, आज के लोगों में पेशेंस की बहुत कमी है, उन्हें हर चीज़ जल्दी चाहिए। आप एक पान की दुकान भी लगाने जाओगे ना तो पहले वो गुमास्ता का लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक गुमठी बनानी पड़ेगी, है ना, उसमें कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे होता है ना एक्टिंग लाइन में, जब आप बोलते हैं किसी को कि हम फलां एकेडमी में या स्कूल में जाते हैं और आपसे बोलते हैं कि यार कुछ फ़ीस है क्या वहाँ की, तो आप बताते हो ये फ़ीस है, अरे कहाँ पैसे बर्बाद कर रहा है ना, यही बोलते हैं ना। वो बोलते हैं, उनको ये बोलिए कि तू पान की दुकान लगा के दिखा दे। पान की दुकान अगर लगाएगा तो वो गुमठी जो बनाएगा उसका पैसा लगेगा, उसमें माल भरेगा उसका पैसा लगेगा, उसके बाद अगल बगल उस दुकान को चलाने के लिए 10 लोग उधार लेने आएंगे, उनको दे पाएगा और अगले दिन माल भर पाएगा। तो जब पान की दुकान लगाने में अगर पैसा लगता है तो आप इतनी बड़ी फील्ड में जहां आपको लाखों करोड़ों मिलने की गुंजाइश है वहां आप थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करोगे। आज डॉक्टर इंजीनियर बनने जाते हैं लोग 7-7 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख, कई जगह तो 20-25 लाख दे दे के बनते हैं। वो डॉक्टर इंजीनियर में से आधे बेकार पड़े हुए हैं जिन्हें कोई काम नहीं मिला किसी जगह पे। तो अगर वो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो सिर्फ हमारी फील्ड में ही लोगों को आने में, पैसा खर्च करने में क्यों जान निकलती है? और ऐसे ही लोग क्या होता है, दूसरों की बातें सुन सुन के ना, किसी को 5 लाख ला के घर से दे दिया, मुझे एक्टिंग में काम दिला देना, फिर वो पैसा डूब जाता है, फिर रोते हुए आते हैं हम लोगों के पास, अरे सर मेरा पैसा डूब गया क्या करूं? तो भाई हमसे पूछ के तो दिया नहीं था, है ना। तो वो सब चीज़ें इसीलिए, और
तुम लोगों के वक्त में तो अभी बहुत, हम जब आए थे तो सिर्फ फिल्में होती थी और डी डी वन होता था, अब तो इतने हजारों चैनल खुले हैं, किसी में भी कोई ना कोई काम तो छोटा मोटा मिल ही जाएगा अगर ईमानदारी से जाओगे तो, और थोड़ा बहुत सीख के जाओगे। सीखना तो यहाँ जरूरी है, सीखे बिना तो नहीं पहुँच पाओगे।